दीपिका पादुकोण कोरोना लॉकडाउन में पति रणवीर सिंह के साथ टाइम स्पेंड कर रही है। इसी बीच में वो कुकिंग और घर की सफाई भी कर रही है। एक इंटरव्यू में दीपिका ने बताया कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद वो सबसे पहले क्या करेगी। मैं सबसे पहले अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए बेंगलोर जाऊंगी। मेरा उनसे मिलने का शेड्यूल पहले से ही तय था। लॉकडाउन हटने के बाद मैं तुरंत जाकर उनसे मिलूंगी। इसके बाद मैं शकुन बत्रा की फिल्म की तैयारी शुरू करूंगी। बता दें कि दीपिका पादुकोण अपने पेरेंट्स के काफी करीब है। कई बार वो अपने पेरेंट्स को लेकर इमोशनल होती हुई दिखी है। एक्ट्रेस के वर्क फ्रंट की बात करें तो इस साल उनकी फिल्म छपाक रिलीज हुई थी। फिल्म को क्रिटिक्स ने काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिया था, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खास कमाल नहीं दिखा पाई। दीपिका ने इस फिल्म में एसिड अटैक सर्वाइवर लक्ष्मी अग्रवाल का किरदार निभाया था। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।